आज का सीन बना मेरा बोर्ड बाजार जाने का और जाते साथ ही गर्मी को देखते हुए मेरी नजर पड़ी एक अनोखे किस्म की लस्सी पर जो कि थी पुदीनी और खीरे वाली लस्सी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी टेस्ट किया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये लस्सी बनती नहायत ही सिंपल तरीके के साथ है। सबसे पहले पुदीनी की चटनी डाली जाती है और खीरा डाला जाता है और उसके बाद दही आ जाती है और जो लस्सी इन्होंने बनाई होती है उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। ये लस्सी आम लस्सियों की तरह क्रीमी तो नहीं होती लेकिन ये काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म की नेचुरल लस्सी है क्योंकि आजकल नेचुरल खुराक काफी कम हो चुका है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये जरूर ट्राई करो और इसकी प्राइस भी जस्टिस की होती है। न्यू टंडी लस्सी पीने के बाद मेरी नजर पड़ी इन भाई साहब पर जो कि बना रहे थे मंदूज यानी डम्पलिंग्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। मंदूज बेसिकली अफगानी डिश है और हमारे अफगानी भाई इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं। और सबसे पहले भाई ने इस प्लेट में भर दिए मंदूज और बाकी की कहानी पूरी कर दी इनकी चटनियों ने। तो ले जनाब हमारे मंदूज का प्लेट रेडी हो गया था जिसकी कीमत थी सिर्फ 150 रुपए। एंड अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। इसको टेस्ट करने के बाद द टेस्ट वाज सुपर ऑसम। साथ ही गड़े अंकल जी से हमने एक प्लेट ऑर्डर कर दी थी चना चाट। अगर आपने ये चन्ना चाट बचपन में नहीं खाया तो सॉरी टू से आप बर्गर हो। इसकी मेकिंग प्रोसेस नहायत ही सिंपल है। सबसे पहले समोसे मैश कर दिया जाता है, ऊपर आ जाती है कुछ सलाद और उसके बाद बाकी की कहानी इनकी भी पूरी कर दी है चटनी है। और ये स्पाइसी किस्म के चन्ना चाट देखने के बाद आई एम श्योर कि आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो इसका फर्स्ट बाइट लेने के बाद ये आपके मुकम्मल टेस्ट बड्स को एक जबरदस्त किस्म का झटका दे दीजिए क्योंकि इसके स्पाइसेस लेवल काफी ज्यादा हाई। कम करने के लिए हमने एक ग्लास पी ली गन्ने का जूस। की आज की वीडियो एंड करते हैं और हमारा टोटल बिल बना 380 रुपीज। अगर आप लोगों को भी ऐसे चीप प्राइसेस में जबरदस्त किस्म के खाने खाने हैं तो सीधा पहुंचे बोर्ड बाजार पिशावर। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।